लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के एनी पॉइंट पर हमने वी की वैल्यू को कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स किए पोटेंशियल डिफरेंस के, और एक टॉपिक किया था टू प्रूव दैट ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। फिर पार्शियल डिफरेंसिएशन से कुछ रिजल्ट किया, पोटेंशियल डिफरेंस का ये क्वेश्चन किया। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। एक बार प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार रीड करें और खुद ट्राई करने की कोशिश करें। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई वेक्टर आपको कांस्टेंट गिवन है, तो कितनी वैल्यू गिवन है, ई नॉट आई कैप प्लस टू ई नॉट जे कैप। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो एक्स एक्सिस में ई नॉट है, वाई एक्सिस में टू ई नॉट है। तो इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कॉन्स्टेंट। क्लियर है यहां तक? ई नॉट कॉन्स्टेंट है एंड 0.0 यानी कि ओरिजन, ओरिजन के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी गिवन है, जीरो। ओरिजन के ऊपर पोटेंशियल कितना गिवन है, जीरो। तो आपको क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है एट एक्स नॉट कॉमा जीरो। तो आपको पोटेंशियल की वैल्यू कहां निकालनी है, एक्स नॉट कॉमा जीरो पे। तो इन शॉर्ट आपको ए और बी दो पॉइंट्स गिवन है। ए पॉइंट पर, ए पॉइंट ओरिजिन पे है 0.0, यहां पर पोटेंशियल कितना गिवन है, जीरो। और आपको एक्स एक्सिस पे एक और पॉइंट गिवन है एक्स नॉट, और आपको एक्स नॉट डिस्टेंस पे क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो आपको एक्स नॉट डिस्टेंस पे वी की क्या निकालनी है, वैल्यू। तो क्लियर है यहां तक, राइट? और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दो गिवन है, एक्स एक्सिस में भी गिवन है और वाई एक्सिस में भी गिवन है, ठीक है? तो आप इसका डायग्राम प्लॉट करें। तो मैंने इसका डायग्राम ये बनाया हुआ है। इस डायग्राम में ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये ओरिजिन 0.0, राइट? और ये वैसे ही शो किया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कॉम्पोनेंट्स हैं। एक कॉम्पोनेंट कहां पर है, एक्स के अलोंग, और एक कॉम्पोनेंट कहां पर है, वाई के अलोंग। एक्स के अलोंग कॉम्पोनेंट कितना है, ई नॉट, वाई के अलोंग कितना है, टू ई नॉट, टू ई नॉट जे कैप और ई नॉट आई कैप। तो क्लियर है यहां तक, ठीक? तो ये कोई वाई एक्सिस नहीं है, ये तो बस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ की है। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को शो किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है, राइट? तो ये 0.0 और ये एक्स नॉट कॉमा जीरो। तो आप एक काम करें, आपको, आप पहले एक्स एक्सिस पे काम करें। आपको ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना गिवन है, जीरो। आपको बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। तो एक काम करें, आप एक्स एक्सिस लें, एक्स एक्सिस में जाएं ए से लेके कहां तक, बी तक। ए से लेके बी तक अप्लाई करें, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस तो डी एक्स। तो पुट करें और ट्राई करें और वी की वैल्यू निकालें, प्लीज एक बार वी निकालें। तो कितने लोगों का आंसर आ गया इसमें, तो देखो इसमें आप एक्स एक्सिस लें, आप ए से बी पे जा रहे हैं, तो बी इज द फाइनल पॉइंट, ए इज द इनिशियल पॉइंट।
तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में कितनी वैल्यू रखेगा, ई नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है इसमें, ई नॉट इज इक्वल टू माइनस डीवी, डीवी में ए से बी जा रहे हैं तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, और डिस्टेंस में फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, क्लियर है। तो ई नॉट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वी बी, हमने निकालना है वी ए कितना है जीरो अपॉन एक्स नॉट, तो यहां से वी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि वी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, कोई डाउट इसमें, राइट। तो इस केस में मैंने एक्स एक्सिस में करके दिखाया हुआ है और वी की वैल्यू आ गई। आप कहेंगे वाई की वैल्यू क्यों गिवन है, एक्स एक्सिस तो ठीक है आंसर आ गया, तो मेरे हिसाब से हमारा आंसर आ चुका है, आपको इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ फिर भी कोई कहे मैं वाई एक्सिस पर लगाना चाहता हूं, लगा लो। आप अगर वाई एक्सिस पे सेम रूल लगाते हो और वाई एक्सिस पे इमेजिन करो दो पॉइंट लेते हो, एक पॉइंट क्यू लेते हो एक पॉइंट पी लेते हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है टू ई नॉट, तो वाई एक्सिस में टू ई नॉट इज इक्वल टू माइनस डीवी, डीवी में क्या, क्योंकि आप क्यू से पी जा रहे हो तो पी इज फाइनल क्यू इज इनिशियल, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, और फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, तो फाइनल कोऑर्डिनेट वाई पी है, इनिशियल कोऑर्डिनेट वाई क्यू है, और वाई क्यू तो वैसे ही जीरो होगा क्योंकि क्यू पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। और फायदा क्या होगा, ना तो आपको वाई ऑफ पी की बना है ना आपको और कुछ की बना, पूछा भी क्या है, कुछ भी नहीं, वी पूछा, वी तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो इसलिए वाई एक्सिस में कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे को अगर वो वाई एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड ना भी देता तो भी मेरा आंसर एक्स एक्सिस से आ गया था, तो क्लियर है यहां तक, तो रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या ये पॉइंट क्लियर है। तो ये तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये तो मैंने ये शो किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यूज हैं ई नॉट आई कैप और टू ई नॉट जे कैप। हाँ हाँ जा मर्जी लो, हाँ जा मर्जी लो, क्लियर है यहां तक। अब एक और मेथड है जो काफी ऑब्जेक्टिव बुक्स यूज करती है, वैसे मेरे को मेथड नंबर वन बड़ा पसंद है, मैं डायग्राम देख के ही बता देता हूँ कि ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर कैसे यूज करना है, बट काफी ज्यादा बुक्स मेथड नंबर टू भी यूज करती हैं, तो ये भी सीख लेते हैं, कल को बुक पढ़ रहे हो तो पता होना चाहिए क्या करना है। मेथड टू में क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर लगा लो। अब ई वेक्टर क्या है, ई वेक्टर तो एज इट इज गिवन ही है आपको, तो ई वेक्टर का ई वेक्टर लिख लिया, और डी आर वेक्टर, डी आर वेक्टर में आपको पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल कहां पे निकालना है, ऑन एक्स एक्सिस, तो आपको जो पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है वो एक्स एक्सिस पे लेनी है, कहां से कहां लेनी है, ए से बी लेनी है, यही रूल है ना। तो आप डी आर वेक्टर में क्या लोगे, एक्स नॉट आई कैप, क्योंकि आप कहां मूव कर रहे हो, अलोंग एक्स एक्सिस, क्लियर है, क्योंकि आपको पोटेंशियल कहां पूछा जा रहा है, यहां पे, और यहां पे पोटेंशियल है कितना वी, यहां पे पोटेंशियल क्या है जीरो, तो आप चेक करो पोटेंशियल डिफरेंस में वी वी माइनस वी ए, क्योंकि यू आर मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी वी माइनस वी ए, और डिस्प्लेसमेंट वी बी और ए के बीच में डिस्टेंस कितना है एक्स नॉट, तो एक्स नॉट के पीछे क्या आएगा आई कैप, तो आई डॉट आई क्या होता है वन, जे वाली टर्म है ही तो जीरो, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा ये आएगा, तो यहाँ पे ए ओरिजिन पे पोटेंशियल क्या है जीरो, तो यहाँ से वी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, क्योंकि बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है वी। तो आपको जो मेथड पसंद है आप यूज कर सकते हो, मेरे को वैसे मेथड नंबर वन ज्यादा बेटर लग रहा था, तो इसलिए पहले मैंने मेथड नंबर वन को यूज किया, बट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ऑनलाइन वालों को क्लियर है, यस सर, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव्स, मेरी ऑब्जेक्टिव शीट्स एंड बाकी ऑब्जेक्टिव बुक्स में काफी ज्यादा गिवन होता है, ये वो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में वो आपको क्या दे रहा है, वो आपको ई वेक्टर दे रहा है और आपसे क्या पूछ रहा है वी पूछ रहा है, तो ई वेक्टर दे रहा है और वी पूछ रहा है। हमने लास्ट टाइम डिसाइड किया था कि अगर हमें वी गिवन है और ई पूछ रहा है तो ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर, और अगर हमें ई की वैल्यू दे रहा है और वी पूछ रहा है तो डिफ्रेंसिएशन की जगह क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन, क्लियर है यहां तक। तो ऐसे ही कुछ करेंगे, डी वी पोटेंशियल डिफरेंस इज माइनस ई डॉट डी आर लगा लिया, ई वेक्टर जो भी गिवन है पूरे का पूरा ई वेक्टर की जगह यूज कर लिया, ये भी क्लियर है, और डी आर वेक्टर को हम क्या लिखते थे डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, ये भी क्लियर है। तो ये टर्म आ गई, इस टर्म में से आई को आई के साथ जे को जे के साथ डॉट प्रोडक्ट जेड
कैप तो है ही नहीं इसमें, के कैप तो है ही नहीं, जीरो हो जाएगा, तो y इंटू डी एक्स आएगा, x इंटू डी वाई आएगा। यहाँ तो क्लियर है dv, पर मेरे को क्या निकालना है, मेरे को इसमें v निकालना है, तो मुझे दोनों साइड की क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब जब मैं दोनों साइड्स की इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन करने से पहले मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो y इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x प्लस x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ y, तो इसको लिखा जा सकता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ x इंटू y। क्यों? क्योंकि डिफ्रेंसिएशन में u इंटू v का फॉर्मूला किया था, और u इंटू v का फॉर्मूला था क्या, u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u। ऐसे इसमें x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ y और y इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x तो कंबाइन करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ x इंटू y। क्लियर है? तो ये टर्म d ऑफ x इंटू y विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, और मैं दोनों साइड्स की क्या करूंगा, इंटीग्रेशन। अब ये पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे हुआ करते थे। जब इंटीग्रेशन को रिजल्ट देता था और उस रिजल्ट को अगर हम इंटीग्रेट करते थे तो आंसर क्या आता था, एग्जैक्टली सेम आता था। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का अफेक्ट हो गया आपस में कैंसल, तो बचेगा क्या, सिर्फ माइनस एक्स वाई। और जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एंड में क्या लगाते हैं, एक कॉन्स्टेंट, और वन डीवी की इंटीग्रेशन क्या होगी, वी। तो वी का ये फॉर्मूला आप मार्क करेंगे जब ये किसी ऑब्जेक्टिव में दिखेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नॉट फॉर एनसीईआरटी, इसके ऊपर लिख लेना, दिस इज नॉट फॉर एनसीईआरटी। ठीक है, यहां तक तो आइडिया क्लियर है कि कैसे इन टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया है। ये वाला ये फॉर्मूला है डिफ्रेंसिएशन का, डी ऑफ एक्स इंटू वाई। डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे हैं, तो आप ये कैंसिल कर सकते हैं दोनों इफेक्ट, तो बचेगा कि सिर्फ माइनस एक्स वाई, और इंटीग्रेशन में एंड में कांस्टेंट आता है बस। ठीक, ये हमने कर लिया था। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, नहीं बताया तो बता देता हूं, और बोर्ड्स के अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कुछ ना कुछ पक्का आएगा ही आएगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसी सरफेस है, रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, कि जिसके हर पॉइंट के ऊपर वी की वैल्यू रिमेन्स सेम। तो अगर कोई ऐसी सरफेस है जिसपे अगर पॉइंट का पोटेंशियल वी है और हर पॉइंट का पोटेंशियल वी 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 वी, तो वो सरफेस को क्या माना जाएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इक्वी पोटेंशियल सरफेस को समझने के लिए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस को समझने के लिए इक्वी पोटेंशियल बना के दिखाता हूं कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पॉइंट चार्ज है क्यू, ठीक है, और मैंने आपको यह कहा कि Q चार्ज से R डिस्टेंस दूर पोटेंशियल निकालो, पोटेंशियल निकालो, राइट, R डिस्टेंस दूर। अब R डिस्टेंस दूर ये पॉइंट भी है, R डिस्टेंस दूर ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये भी हर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो अगर मैं उन सभी पॉइंट्स और सर्फेसिस को ज्वाइन करूं, मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये इमेजिनरी स्फेयर बनेगा जहां पर v की वैल्यू क्या आएगी, एग्जैक्टली सेम। तो हम बोलेंगे कि ये स्फेयर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है? तो आप अगर कोई भी इसमें पॉइंट चार्ज q लें, ये q चार्ज के लिए ये स्फेयर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स अगर लिए जाएंगे तो v की वैल्यू हर स्फेयर के पॉइंट पर क्या आएगी, एग्जैक्टली सेम। अगर मैं एक और स्फेयर लेता हूं, ये R1 डिस्टेंस दूर है, ये R2 डिस्टेंस दूर है, तो यहां पर भी V की वैल्यू एग्जैक्टली क्या आएगी, सेम। जैसे यहां पर हर पॉइंट पर V सेम है, V एंड V, यहां पर हर पॉइंट पे V सेम है, V डैश एंड V डैश। तो ये भी इक्विपोटेंशियल है और ये भी इक्विपोटेंशियल है। तो कई लोग ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों अगर इक्विपोटेंशियल है तो V डिफरेंट कैसे है। तो ऐसा बोलना चाहिए, ये पहली इक्विपोटेंशियल है, ये दूसरी इक्विपोटेंशियल है, ये तीसरी इक्विपोटेंशियल है। तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस डिफरेंट है इसमें, पर हां यह जरूर है कि अगर यह तीसरी इक्विपोटेंशियल है
तो वी की वैल्यू इस पॉइंट पर कुछ भी लेंगे वो एग्जैक्टली क्या देगा, सेम रिजल्ट देगा, वी की वैल्यू सेम रहेगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? यानी कि जितने भी स्फीयर्स ड्रॉ करेंगे एक क्यू चार्ज के बाहर, वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ही होंगे। क्या ये रिजल्ट क्लियर है? मतलब ये तो वही रूल है, अगर ये क्यू चार्ज है और यहां पर ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल देता है, तो थोड़ा दूर जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू 8 वोल्ट हो गई, थोड़ा और दूर जाएंगे 6 वोल्ट हो गई, तो ये 6 6 6 8 8 8 और 10 10 10, तो इसमें प्रोपोर्शनैलिटी का कुछ भी नहीं है वी का, तो कोई लेना देना नहीं है। एक भी पोटेंशियल पे वी है तो दूसरी पे क्या होगी मुझे पता नहीं, वो डिसाइड कौन करेगा, वो क्यू डिसाइड करेगा और आर डिसाइड करेगा कि आप कितनी दूर बना रहे हैं। ठीक, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के अंदर जैसे अगर सपोज करो ये क्यू चार्ज है और ये इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर इमेजिन करो कि मैं इस सरफेस का एक पार्ट कंसीडर करता हूं, मैंने इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का ये वाला इसका टॉप का पार्ट कंसीडर किया, ये रहा ऐसे, ठीक है, सरफेस इसका, इसकी छत थोड़ी सी उठा ली, तो आपको ये पार्ट कुछ ऐसा नजर आएगा, राइट, ऐसा। तो ये क्योंकि इक्विपोटेंशियल है तो यहां पर V की वैल्यू, यहां पर V की वैल्यू, यहां पर V की वैल्यू विल रिमेन सेम। क्लियर है? तो 3D इफेक्ट देने की कोशिश की है, ठीक है। अब अगर आप बात करते हो किसकी, अगर आप बात करते हो इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से जाएगा, चार्ज क्यू में से चेक करो, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से जा रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ इस तरीके से जा रही है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से भी क्रॉस कर रही है। और इमेजिन करो कि अगर मैं किसी भी टेस्ट चार्ज को यहां से यहां लेके जाता हूं, सरफेस के ऊपर से सरफेस के ऊपर ही रखता हूं, तो अगर मान लो ये ए पॉइंट है और अगर ये बी पॉइंट है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे रखता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। क्या पॉइंट क्लियर है? तो वर्क डन क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू तो क्या होती है, इक्वी पोटेंशियल पे सेम, तो V और V भी एग्जैक्टली सेम है, तो इनका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, जीरो, तो वर्क डन की वैल्यू भी क्या आएगी, इसका मतलब इक्वी पोटेंशियल सर्फेस पे अगर आपने कोई टेस्ट चार्ज को उठा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे रखा, तो आपका वर्क डन की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है ये, और यही प्रॉपर्टी को डिस्कस किया गया आपकी शीट पर, तो ये बना दी इक्विपोटेंशियल, लेकिन ज्यादातर केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस जो ये बनाता है, ये स्फीयर का पार्ट उठा के लेके आता है, क्योंकि नीचे कोई क्यू पॉइंट होगा और एक स्फीयर होगा, स्फीयर का एक हिस्सा निकाल दिया उसने, ये लिख दिया, और नहीं भी लिखा उसने, अगर स्फीयर का हिस्सा नहीं भी लिया उसने, अगर लिख दिया कि ये सरफेस इक्विपोटेंशियल है, तो इक्विपोटेंशियल है, बात खत्म। आप ये नहीं कह सकते कि क्यों है, तो उसने कहा इक्विपोटेंशियल, तो हमने कहा ठीक है इक्विपोटेंशियल, तो वी की वैल्यू पॉइंट, हर पॉइंट पर क्या रहेगी, एग्जैक्टली सेम। अब बात यह है कि इक्विपोटेंशियल है, तो वी की वैल्यू सेम है ऑन एवरी पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, और मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि अगर आप कोई ए पॉइंट है बी पॉइंट है, और अगर आप किसी भी टेस्ट चार्ज को उठा के ए से बी पे लेके जाते हो, तो क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू ए और बी की एग्जैक्टली सेम है, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी, जब आप चार्ज को यहां से यहां लेके जा रहे हो, तो ये आपका क्या वेक्टर हुआ, dr वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। तो a और b, a एंड b के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, जीरो। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जो मैंने आपको करवाया था, ये भी करवाया था, क्या करवाया था, माइनस e वेक्टर डॉट dr वेक्टर, क्लियर है। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो माइनस ऑफ e वेक्टर डॉट dr वेक्टर का प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब E वेक्टर डॉट dr वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब E वेक्टर परपेंडिकुलर टू dr वेक्टर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इट मींस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर है यहां तक? तो सेकंड प्रॉपर्टी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन होती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास करेगा, 90 डिग्री पे ही पास करेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो
तो इसीलिए इसने ई वेक्टर को कैसे ड्रॉ किया, डीआर के साथ कितने एंगल पे ड्रॉ किया, 90 पे ड्रॉ किया। क्लियर है यहां तक? मैं अपने पुराने केस पे चलता हूं। मेरा केस ये था, चेक करो, ये मेरी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थी। चेक करो, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, अगर मैं ये डीआर लेता हूं इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो एंगल क्या बनाएगी हमेशा 90। यहां डीआर लेता हूं सरफेस के ऊपर, तो एंगल क्या बनाएगी 90। तो इसलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इक्विपोटेंशियल सरफेस से जब क्रॉस कर रही है तो कितना एंगल बना के क्रॉस कर रही है, 90 एंगल बना के क्रॉस कर रही है। कोई डाउट इसमें? तो सेकंड प्रॉपर्टी भी क्लियर है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, जीरो। दूसरी प्रॉपर्टी है ई वेक्टर परपेंडिकुलर टू डी आर वेक्टर, सेकंड प्रॉपर्टी है। कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके आगे जो स्फीयर बनेंगे, ये जो स्फीयर्स हैं ये क्या होंगे, इक्वी पोटेंशियल होंगे। तो वी की वैल्यू यहां पर जो भी रहेगी, यहां पे जो भी रहेगी, यहां पे जो भी रहेगी, पर एक स्फीयर के ऊपर तो सेम ही रहेगी। तो इक्वी पोटेंशियल सर्फेस वगैरह, ये इक्वी पोटेंशियल सर्फेस है। वो पेपर में एनसीईआरटी में देता है कि ये इक्वी पोटेंशियल सर्फेस है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करो। हाँ तो कर दो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इनमें से ऐसे पास करो ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ एंगल क्या बनाए, 90। उल्टा भी हो सकता है, आपको लाइंस ड्रॉ करके दे देगा, कहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके दिखाओ, तो ये ड्रॉ कर देना कि जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो लाइंस के साथ एंगल क्या बनाएगा, 90। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा 90, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्विपोटेंशियल के साथ एंगल हमेशा क्या बनाएगा, 90। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है वही इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये रहा पॉइंट चार्ज। पर आपने एक चीज नोट की होगी, पॉइंट चार्ज का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो ऐसा ड्रॉ किया, ऐसे कैसे ड्रॉ किया, स्पेसिंग स्फीयर्स के बीच में पहले कम है और फिर ये स्पेसिंग क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं शुरू में टाइट है, बाद में खुलते जा रहे हैं, इसका लॉजिक है, ये ऐसे ही बनेगा। इक्वल स्पेसिंग नहीं होती इक्विपोटेंशियल सरफेस में, बताता हूं क्यों। तो इसको समझने के लिए जरा इस एग्जांपल पे आओ। सपोज आपके पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से यह एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। फिर यह अगली इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये अगली इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मेरे को स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं। इक्विपोटेंशियल किन्हीं भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस में स्पेसिंग बढ़ती जा रही है, उसका रीजन बताता हूं। सपोज ये पॉइंट चार्ज है और इसने यहां पे पोटेंशियल लगाया 10 वोल्ट, मान लो 10 वोल्ट आर डिस्टेंस पे 10 वोल्ट, तो ऑब्वियसली यहां पर 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट एंड 10 वोल्ट रहेगा। थोड़ा सा और दूर जाओगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 से कम आएगी, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते जाओगे V क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहां पर मान लो 8 वोल्ट 8 वोल्ट 8 वोल्ट 8 वोल्ट है, राइट। फिर आगे और गए तो मान लो 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट है, तो यह भी इक्विपोटेंशियल है, यह भी इक्विपोटेंशियल है और यह भी इक्विपोटेंशियल है, राइट। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? आप मुझे एक चीज बताओ कि इन दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो अगर मैं ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस लूं, ये दो पॉइंट्स लूं, तो इनके बीच में स्पेसिंग कितनी है, मान लो dr, तो इन दो इक्विपोटेंशियल सरफेस में dv की वैल्यू क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। किन्हीं भी टू, कोई भी टू इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर लेंगे तो किन्हीं भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस में डीवी क्या रहेगा, कांस्टेंट। नेक्स्ट ले लो, ये ले लो, ये देखो ये ले लो, तो इसमें डीआर की वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा, मैंने ज्यादा रखी है, पर ज्यादा रखी कम रखी बात अलग है, पर डीवी की वैल्यू इसमें क्या रहेगी, 8 में से 5 क्या, कितना, 3, तो फिर से क्या आएगा, कॉन्स्टेंट। हाँ मैं ये, वो अलग बात है कि इनका डिफरेंस 2 आ रहा है, इनका डिफरेंस 3 आ रहा है, तो इन दो का डिफरेंस है, इन दो के डिफरेंस से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एनी टू इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात हो रही है, तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहा हूं तो डीवी कांस्टेंट है,
कोई भी पॉइंट ले लो, इनके ऊपर डीवी हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट। कोई भी अगर पॉइंट इन दो पे लोगे तो डीवी क्या आएगा, कांस्टेंट। अब मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, कहां करता है, बाहर की तरफ करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा ऑब्वियसली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीवी और डीआर में ये रिलेशन सबको पता है, किन्हीं भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस में, फॉर एनी टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, मान लो ये दो ले लो बस, किन्हीं भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस में डीवी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो मैं बोल सकता हूं ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डीआर। तो जैसे जैसे डीआर बढ़ेगा, स्पेसिंग दो इक्विपोटेंशियल सरफेस में बढ़ेगी, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। तो dr अगर कम होगा, स्पेसिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस में कम होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस टाइट होगी, तो e की वैल्यू वहां पर ज्यादा होगी। dr कम होगा तो e ज्यादा होगा। क्लियर है यहां तक? तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? यस सर। ठीक, तो अब इस चीज को समझते हैं कैसे। मेरे पास एक पॉइंट चार्ज क्यू था, और मुझे पता है कि क्यू चार्ज के जितने नजदीक रहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर उतना ही ज्यादा होगा। जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर कम होगा। तो जब मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करूंगा, तो क्योंकि चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा, तो dr मुझे क्या रखना पड़ेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस में कम रखना पड़ेगा, dr स्पेसिंग कम रखनी पड़ेगी। यानी कि अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास हैं, dr कम है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, और थोड़ा दूर जाके dr को मैंने क्या कर दिया, ज्यादा बढ़ा दिया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या हो गया, कम। और ऐसा ही तो होता है, जो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से जितनी दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग से क्या हो रहा है, वीक। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस शुरू में क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी, टाइट, स्पेसिंग रखनी पड़ेगी कम, डीआर क्या रखना पड़ेगा, कम, और फिर डीआर को ज्यादा ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, कम। तो ये पॉइंट समझ में आया? तो क्वेश्चन आएगा बोर्ड में कि ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो आपने जब वो कंसेंट्रिक शेल्स, ये स्फीयर्स ड्रॉ करेंगे आप, तो जब आप ये स्फीयर्स ड्रॉ करेंगे इनमें स्पेसिंग बराबर मत रखना, गलत हो जाएगा। स्पेसिंग शुरू में ज्यादा रखना, फिर और ज्यादा, इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक? ठीक, ऑनलाइन वालों क्लियर है ये? तो जब पेपर में आएगा कि आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बनाएं, तो आप ये ड्रॉ करेंगे कंसेंट्रिक, शुरू में टाइट, बाद में इसको खुलते जाएंगे। ठीक है, ये तो थ्रीडी ऐसी बना रखा है, ये भी किसी काम का नहीं है, कुछ नहीं है। यहां कोई प्लेट रख रखी होगी, इसलिए कांस्टेंट है।
ओके क्लियर है यहां तक। तो नेक्स्ट जो है इसकी प्रॉपर्टीज है, तो इसकी प्रॉपर्टीज में व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने बता दिया। तो पहली प्रॉपर्टी, कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हम लेंगे तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो वर्क डन क्या होगा इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज जीरो। दूसरा मैंने बता दिया ई वेक्टर परपेंडिकुलर टू डी आर वेक्टर। तो ये प्रॉपर्टीज को इकट्ठा कर दिया, पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी वर्क डन जीरो की, दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बता दी कि ई वेक्टर परपेंडिकुलर टू डी आर वेक्टर, तीसरी प्रॉपर्टी भी मैंने बता दी कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको इक्विपोटेंशियल सर्फेस की जो सर्फेसिस है उनको देखते हुए आप बता सकते हैं कि कहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहां पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसे बताया मैंने, स्फीयर्स में जहां पर इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस पास है फील्ड स्ट्रॉन्ग है, जहां दूर है फील्ड वीक है। तो यही बता रहा है वो कि डी आर प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई, कि जितना ज्यादा आर डी आर ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर कम होगा। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस टेल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताता है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताता है, एक बात बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पॉइंट चार्ज का कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ये तो क्योंकि मुझे मालूम है कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक। तो इस केस में ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा, स्ट्रॉन्ग से वीक जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा एक पॉइंट चार्ज में, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा, तो जहां सर्फेसिस टाइट है पास पास है और जहां खुल रही है, तो वहां स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा, स्ट्रॉन्ग से वीक। तो ये आपको डायरेक्शन बता सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी फ्रॉम स्ट्रॉन्ग फील्ड टू वीक फील्ड। क्या ये पॉइंट क्लियर है। और लास्ट प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मान लो ये आपकी पहली इक्विपोटेंशियल सर्फेस है जहां पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल एग्जैक्टली क्या है, सेम है। और ये आपकी दूसरी इक्विपोटेंशियल सर्फेस है, मान लो इंटरसेक्ट कर गई और यहां पर पोटेंशियल 8 वोल्ट का है, 8 वोल्ट का है। अब सोचने वाली बात है, ये पॉइंट कॉमन है दोनों के लिए, अगर इंटरसेक्ट कर गई तो ये पॉइंट कॉमन आएगा दोनों इक्विपोटेंशियल के लिए। अब एक भी इक्विपोटेंशियल सर्फेस के हिसाब से वहां पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 10, और दूसरे के हिसाब से क्या होना चाहिए था, 8। अब एक पॉइंट पे एक ही पोटेंशियल होगा, या 10 होगा या 8 होगा, इसलिए कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। बोलो फिर कर लेंगी, अगर 10-10 की होंगी फिर आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिफरेंट वैल्यूज के साथ इसको इंटरसेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। वो तो कॉमन पॉइंट आ गया ना, वो तो चांस की बात है कि 10-10 हो गया तो आपने वहां ड्रॉ कर दी। अदरवाइज अगर आप डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात हो रही है यहां पर, तो डिफरेंट तो कम से कम इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट, ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है और ये आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? यस सर। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें ये बताया गया है टू शो दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ये टॉपिक हम प्लस वन के अंदर एक बार ऑलरेडी कर चुके हैं। टॉपिक क्या था, टू प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब क्या था, कि आप किसी भी बॉडी को अगेंस्ट ग्रेविटी उठाओ, आप पत्थर उठाओ और उसको सीधा एच हाइट पर ले आओ, आप सीधा ले आओ, आप घुमा के ले आओ, आप इंक्लाइन प्लेन से ले आओ, अगर उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस एच है, तो आपका वर्क डन तीनों रास्तों में एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यानी कि जब हम बोलते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशन इज कंजर्वेटिव, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो वर्क डन है अगेंस्ट ग्रेविटी, वो वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता। तो ग्रेविटी की फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन है, दैट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। सेम विद इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इमेजिन करो ये एक चार्ज है, रूम में बैठा हुआ है स्टूडेंट,
दूसरे को, दूसरे चार्ज को मैं इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ, तो मुझे वर्क डन करना पड़ता है, हमने पोटेंशियलिटी की थी, तो दूसरे चार्ज को उठा के मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक, और वो क्लास में बैठे हैं, मैंने पकड़ के रखा हुआ है दोनों को, नहीं तो भाग जाएंगे ना इन्फिनिटी, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और भाग जाएंगे। इसको पकड़ के रखा हुआ है, उसको पकड़ के रखा हुआ है, दोनों चार्ज को, उस चार्ज को भागना है, क्योंकि ये चार्ज इसे क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, राइट। पर मैंने उठा के इस चार्ज को यहां से यहां रख दिया, अब इसने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया हुआ है, और इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरे चार्ज को उठा के मैं यहां से यहां लेके आ रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब टॉपिक यह है कि आप चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले आए, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको वर्क डन करना पड़ रहा है, आप चाहे सीधा ले आओ, आप घुमा के ले आओ, जैसे मर्जी ले आओ, आपका वर्क डन हर केस में विल रिमेन सेम। अगर मैं ये प्रूव कर पाऊं तो आपको मानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक। इन शॉर्ट मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे लेट अस सपोज आपके पास कोई क्यू चार्ज है, क्यू एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर गया। आपके पास एक और चार्ज है क्यू नॉट, इस क्यू नॉट चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में उठा के आपने ए से बी पे रख दिया, और क्या कैलकुलेट किया, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वो वर्क डन ए एंड बी की सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। रास्ता चाहे आप ये लेके जाओ, चाहे आप ये लेके जाओ, चाहे आप ये लेके जाओ, आपके वर्क डन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर मैं ऐसा प्रूव कर पाऊं तो यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में मैंने वर्क डन कर दिया, और वो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं किया, तो मानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव इन नेचर, और मैं यही करने वाला हूं। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है। एक छोटा सा तरीका जिसमें मैं अपने तरीके से करके दिखाऊंगा, फिर दूसरा तरीका जैसे बुक्स या एनसीईआरटी आपको करके दिखाती है, जो आप पेपर में लिख के आएंगे फॉर एनसीईआरटी, ये टॉपिक इज फॉर एनसीईआरटी। तो मेरा तरीका ये है, मैं ये बोलता हूं कि सपोज आपके पास, ठीक, जैसे लेट अस सपोज आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है क्यू, राइट, ये पॉजिटिव चार्ज क्या लगाएगा, ये फील्ड लगाएगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, कैसे लगाएगा, ये देखो ये क्या है, इसका प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ लगाएगा, पर मैंने ऐसे ड्रॉ किया, सिर्फ हर तरफ लगाएगा, पर ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहां तक सपोज करो ये पॉइंट है ए, और ये इसका है पोजीशन वेक्टर, ये देखो ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर याद है, ओरिजिन से एक वेक्टर जो ए पॉइंट को ज्वाइन करता है, इसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, जिसकी पोजीशन बताता है। सिमिलरली एक और पॉइंट लेते हैं बी, बी ये रहा बी, तो ये रहा आर ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर, ये रहा आर बी वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर, तो ए का पोजीशन वेक्टर आर ए और बी का पोजीशन वेक्टर आर बी, क्लियर है यहां तक। अब इमेजिन करो कि आप किसी भी इमेजिनरी टेस्ट चार्ज को उठा के ए से कहां लेके आ रहे हो, बी पे, आपको क्या करना पड़ा, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ क्यू नॉट इज नोन एज पोटेंशियल का डिफरेंस, राइट। और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, क्योंकि आप चार्ज को कहां से कहां लेके आ रहे हो, ए से बी, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, क्लियर है यहां तक। तो यानी कि वी बी माइनस वी ए, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो इसमें वर्क डन डिवाइडेड बाई क्यू नॉट विल बी इक्वल टू वी बी, तो बी पॉइंट पर ये क्यू चार्ज, क्योंकि जो चार्ज मूव करवाया जाता है वो तो पोटेंशियल लगाता ही नहीं, पोटेंशियल कौन लगाएगा, ये फिक्स चार्ज क्यू, तो क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में से मूवमेंट हो रही है, तो क्यू ने बी पे पोटेंशियल क्या लगाया, 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर बी, और ए पे क्या लगाया, 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर ए। अब जो भी वर्क डन कैलकुलेट आपने किया वो फाइनली किस पे डिपेंड कर रहा है, आर बी एंड आर ए, पाथ पे डिपेंड कर कहा रहा है, पाथ तो मैंने यूज भी नहीं किया। तो मेरे हिसाब से ये प्रूव हो गया
कि वर्क डन की जो वैल्यू आएगी इन कैरिंग अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो आपको मानना पड़ेगा कि वर्क डन इज कंजर्वेटिव या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? अब ये तो मेरा आसान तरीका है करने का, क्योंकि इसमें आप मुझे ये चैलेंज कर सकते हो सर हमने पाथ कुछ तो लेना था, कोई पाथ ले लेते तो मानते भी आपने रास्ते के थ्रू प्रूव किया। आपने रास्ता नहीं लिया, आपने ए लिया बी लिया, फिर आपने स्टार्टिंग में ए और बी ले लिया, आपने बीच को रास्ते की बात ही नहीं की, तो आपका तो रिजल्ट अपने आप ही आना था। तो इसलिए ये मेरा प्रूफ है। चलो मैं ऐसा समझाता हूँ कि अल्टीमेटली यू हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल का डिफरेंस, तो मैंने समझा दिया। लेकिन आपकी बुक्स ऐसे समझाती हैं कि वो ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ये नहीं लेती, क्योंकि अगर उसने ये ले लिया फिर तो इनिशियल और फाइनल वैसे ही ले लिया उसने, उसे रास्ते को तो लिया ही नहीं। तो हम ये प्रूफ नहीं करके आएंगे पेपर में, हम क्या करके आएंगे, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट, इससे करके आएंगे। क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस पाथ भी फॉलो करना पड़ेगा। एक सेकेंड प्लीज। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको यहां तक? ठीक है, तो आपको पाथ फॉलो करना पड़ेगा। अब ऐसे केस में जब आपको पाथ फॉलो करना पड़ेगा तो इस डायग्राम में चलते हैं। सपोज आपके पास ये एक डायग्राम है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे। इमेजिन करो कि आप क्यू चार्ज रेस्ट पे पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया आपने, किसी चार्ज को ए से बी पे लेके गए, सेम रूल है, बस फर्क यह है कि मेरे को पाथ दिखाना है इसमें, और मैं पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या यूज करूंगा, माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर कुछ ऐसे यूज करूंगा ताकि मैं पाथ को शो कर सकूं। तो मैंने इसमें क्या किया, इसके अंदर सपोज ए पॉइंट का, ए पॉइंट की पोजीशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आर ए वेक्टर। बी पॉइंट की पोजीशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आर बी वेक्टर, राइट। ये इसका क्या है, पाथ, पाथ बना दिया। इस पाथ का क्या लिया, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, ये देखो, ये देखो, क्योंकि पाथ तो लेना पड़ेगा ना, तो किस पाथ के थ्रू जा रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी, और ए से लेके बी तक अगर हम स्मॉल एलिमेंट को कंसिडर करें तो ये स्मॉल एलिमेंट मैंने कंसिडर किया जिसकी वैल्यू क्या है, डी एल वेक्टर। तो ये मेरा पाथ है, तो मतलब ए से लेके बी तक पाथ है, बट मैंने क्या 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 किया, ए से लेके बी तक टोटल पाथ नहीं लिया, बिकॉज इट कैन बी कर्व्ड, तो मैंने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले ली इसकी डी एल वेक्टर। क्लियर है? ठीक। अब यहां पे आप किसी चार्ज को यहां भी लेके आओगे फिर आगे लेके जाओगे, तो आपने स्मॉल एलिमेंट लिया कितना, डी एल वेक्टर। तो यहां पे जहां पे ई निकालना है आपको, यहां ई निकालना है, तो ये क्यू इस प्लस वन को क्या करेगा, रिपेल। तो ये डायरेक्शन आ गई किसकी, ई वेक्टर की। तो ई वेक्टर डी एल वेक्टर, और मान लेते हैं इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। इमेजिन कर लो थीटा, मैं सब एलिमिनेट कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है, एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करो, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर कुछ यहां पे ड्रॉ कर दो, और इमेजिन करो कि ये जो P पॉइंट है जहां पर आपने E को कंसिडर किया, इसका पोजीशन वेक्टर इज R वेक्टर। ये R वेक्टर, ये R भी वेक्टर, किसी भी इंस्टेंट पर R वेक्टर, R वेक्टर में चेंज, तो R वेक्टर, और ये छोटी सी जो डिस्प्लेसमेंट है ये वाली, दिस इज सपोज dr वेक्टर। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये लेंथ कितनी है, dl, ये लेंथ कितनी है, dr, ये एंगल कितना है, 90। तो इस ट्राइंगल में cos थीटा की वैल्यू पता है क्या आएगी, dr डिवाइडेड बाय dl, तो dr बाय dl, क्योंकि एंगल कितना है, 90। तो यहां से dr विल बी इक्वल टू dl cos थीटा। आप सोचेंगे करने की कोशिश क्या कर रहे हैं यार, dr, r ले लो, dr ले लो, थीटा ले लो, dl ले लो, e ले लो, क्या है, कर क्या रहे हैं? देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर यूज करने जा रहा हूं माइनस ई डॉट dl। dl क्यों, क्योंकि मैं छोटा वर्क डन निकालूंगा पहले पी से क्यू, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, यहां पे ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, राइट। फिर मैं इंटीग्रेट करके ए से बी का टोटल वर्क डन निकालूंगा। तो देखो जरा कैसे, तो इस ट्राइंग इस पूरे टॉपिक में आपने, मैं यही करूंगा सॉल्व, एक मिनट, यहां देखो, तो इस टॉपिक में मैं एक काम करता हूं, मैं P से लेके Q तक लेके जाता हूं, तो अगर मैं P से लेके Q तक जाता हूं
और मैं कैलकुलेट क्या करता हूं, E वेक्टर डॉट dl वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या है, dl वेक्टर, राइट। तो कहां से कहां, P से लेके Q तक, राइट। तो मैं क्या निकाल रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक ही बात है। तो इसको जब मैं ओपन करता हूं तो E dl, E ये रहा E dl, इनके बीच में एंगल क्या निकलता है, थीटा। dl cos थीटा भी क्या प्रूव किया था, क्या था, dr किया था ना ट्राइंगल से। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं, और E, E की वैल्यू ये r है, तो q चार्ज यहां पर E क्या लगाएगा, 1 बाय 4 पाय एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r, और इसकी जगह कितना, dr। तो ये कैलकुलेशन कहां से कहां चल रही है, P से Q पर, मुझे क्या करनी है, A से B, तो A से B करनी है, तो R से लेके R P लिमिट लग जाएगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां आएगा, A से B, तो यहां से कॉमन आ गया, माइनस 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1 बाय R स्क्वायर dr, कहां से कहां तक, R A से लेके R B तक, राइट। और फिर इक्वल टू माइनस 1 by 4 pi epsilon not q r की पावर माइनस 2 dr, कहां से कहां, r से लेके r b तक, माइनस 1 by 4 pi epsilon not q, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, r की पावर माइनस 1 by माइनस 1, कहां से कहां तक, r से लेके माइनस माइनस प्लस, तो क्या बना, 1 by 4 pi epsilon not q 1 by r, r से लेके r b तक, और फाइनली लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे कहां से कहां तक, आर बी और आर, तो आपके सामने ही है पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहे, आर ए एंड आर बी, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज किस पे डिपेंड करता है, आर ए एंड आर बी, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये इसका प्रूफ है, आपकी बुकलेट में थोड़ी सी करेक्शन है, वो करेक्शन कर लेना, सारे स्टेप लिखने हैं तो एक बार फिर से लिख लो, आपकी मर्जी है। तो यहां पर एक बार देखो प्लीज,
देखो मैंने इसमें ई डॉट डी आर क्यों नहीं लिया, ई डॉट डी डॉट डी एल क्यों ले लिया, जबकि मैं हर वक्त बोलता हूं माइनस ई डॉट डी आर, मैंने डी एल ले लिया। आप ये देखो चार्ज कहां से कहां मूव कर रहा है। आपने पी से क्यू लिया, जब आपने पी से क्यू लिया तो चार्ज कहां मूव कर रहा है, पी से क्यू, तो डी आर कैसे लेंगे, पर जो डी एल लेंगे डी आर इसलिए लिया क्योंकि आर इज अ वेरिएबल, जब पाथ में मूव करते हैं तो आर क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो आर का छोटा सा पार्ट लिया डी आर, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी आर चलानी है बिकॉज आर इज अ वेरिएबल, आर इज अ वेरिएबल, इनिशियल आर ए फाइनल आर बी, तो लिमिट डी आर को इंटीग्रेट करके आर, आर की इनिशियल वैल्यू आर ए है, आर की फाइनल वैल्यू आर बी है, तो डी आर में चलानी जरूरी है इसलिए। हाँ ऐसा बोल सकते हो, हाँ ऐसा बोल सकते हो, ठीक है यहां तक। तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? Yes, ठीक है, ये पूरा टॉपिक एग्जैक्टली यही इसमें किया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। अब इसके अंदर कुछ स्पेशल केस है, क्या स्पेशल केस है, स्पेशल केस ये है कि अगर आपका कोई चार्ज एक पॉइंट से मैंने उठाया, लेट अस सपोज मैंने कहां से उठाया, मैंने ए से उठाया, मैंने चार्ज को ए से उठाया, बी पे लेके गया, फिर बी से उठाया और वापस ए पे ले आया, तो क्या बन गया, क्लोज्ड पाथ बन गया, क्लोज पाथ बन गया। तो कंजर्वेटिव फोर्स में क्लोज्ड पाथ में नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता है, जीरो, राइट, क्लियर है यहां तक। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज जीरो, इसमें भी जीरो, कैसे जीरो, ये तो लंबा प्रूफ किया हुआ है, हम इजी प्रूफ करते हैं, इजी काम करते हैं, कैसे, जब आप मान लो ए से कहां लेके जा रहे हो, बी पे, मान लो चार्ज को कहां लेके जा रहे हो, ए से बी पे, जब आप किसी भी चार्ज को ए से बी पे लेके जा रहे हो, ए से बी पे लेके जा रहे हो, तो आप क्या करते हो, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ए से बी वर्क डन करते हो अपॉन क्या, टेस्ट चार्ज लेके जा रहे हो, कितना, क्यू नॉट इज इक्वल टू, कहां से कहां लेके जा रहे हो, ए से बी, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, क्लियर है, ठीक है। फिर आप बी से ए पे लेके आ रहे हो, तो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। तो जब आप ऐड करोगे इन्हें तो ये टर्म कैंसल, तो ये टर्म कैंसल होके ये देखो दो इक्वेशंस बनी हुई है हमारे पास, ये देखो ये दो इक्वेशंस बनाई, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आया, जीरो, तो टोटल राउंड आने और जाने का नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आएगा, जीरो। तो जब भी आप एक चार्ज को स्टार्ट करके वहीं से वापस लेके आओगे तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। तो ये टॉपिक भी क्लियर है, ठीक, ओके। ये शीट नंबर कौन सी थी, 23,
कहाँ पे? चाहत, चाहत है ये भी बस। ओके ठीक है। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 11, अगर बुकलेट है ओपन कर सकते हो, नहीं है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 4x2। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस कोऑर्डिनेट पे। चेक करो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो क्या लगाएंगे? E इज इक्वल टू माइनस dV बाय डी में चल रहा है x में। करो स्टार्ट। एक्स ठीक है, कितनों का आंसर आ गया? देखो इसमें क्या करना है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, ऐसे करेंगे ना। तो E निकाल लेंगे, E कहां पर आएगा? अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसे बनेगा। और फिर आपको क्योंकि E कहां निकालना है? इन कोऑर्डिनेट्स पे। तो इसमें Y और Z का तो काम ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ किस पे चल रहा है? अलोंग एक्स एक्सिस। तो एंड में जो भी आंसर आएगा उसमें एक्स को क्या पुट करना है? 1। तो यही किया हुआ एग्जैक्टली। तो वी पता है, ई वेक्टर माइनस डी वी बाई डी एक्स आई कैप, वी को पुट किया 4x2, सॉल्व किया तो माइनस 8x आई कैप, क्योंकि वाई और जेड का कोई काम ही नहीं है। तो कोऑर्डिनेट क्या था जहां पर हमने ई निकालना है? एक्स इक्वल टू 1 कोऑर्डिनेट। तो 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस 8 आई कैप। तो मैग्नीट्यूड 8 है और डायरेक्शन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है? कोई डाउट इसमें? वाइट क्लियर है? फिर से, ये गिवन है ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है। वी की वैल्यू पुट कर दी 4x2, 4 कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंसिएशन 2x, तो माइनस 8x, एक्स को 1 पुट किया आंसर। ठीक है यहां तक? इसी तरीके से इस क्वेश्चन को प्लीज एक बार सॉल्व करें। तो इसमें क्या लगेगा? पार्शियल डेरिवेटिव। करें ट्राई।
पोटेंशियल की वैल्यू इज गिवन बाय, वी गिवन है, क्या निकालना है आपको, निकालना है इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स निकालनी है, दो कूलम चार्ज पे क्या फोर्स लगेगी आपको। अगर वी गिवन है, आप सबसे पहले क्या करोगे, आप इसमें ओरिजिन के ऊपर, ओरिजिन का मतलब कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 0, 0, तो आप V की हेल्प से सबसे पहले क्या निकालोगे, E निकालोगे, E आ गया, चार्ज पता है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई से फोर्स आ जाएगी। तो मेन काम क्या है, टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ E। तो E कैलकुलेट करने का तरीका, क्योंकि सब कुछ एक्स वाई जेड में चल रहा है तो ये तरीका याद है, तो पार्शियल डिफ्रेंसिएशन यूज करनी पड़ेगी। तो पार्शियल डिफ्रेंसिएशन में यूज करेंगे माइनस dv बाई डी एक्स, dv बाई डी वाई, dv बाई डी जेड। तो क्योंकि v बहुत बड़ा है तो एक पेज पे आना बड़ा मुश्किल है, तो मैंने अलग अलग सॉल्व कर लिया, पहले मैंने इसे सॉल्व कर लिया, फिर मैंने इसे कर लिया, इसे कर लिया, तीनों को ऐड कर दिया। तो आप चेक करो, पहला स्टेप मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में मैंने इसमें dv v की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, चेक करो ये v की v वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, ये वी की वैल्यू यहां पुट कर दी, क्लियर है। तो इतनी लंबी कैलकुलेशन के लिए कुछ ओरली काम कर लिया, क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एक्स। तो जिन टर्म में एक्स नहीं आ रहा, साफ पता है कि उनकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, जीरो। तो इसको तो देखने की भी जरूरत नहीं है। तो क्या बचता है हमारे पास, सिर्फ दो टर्म्स, तो क्या बचेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म। तो सिर्फ ये दो टर्म बचेंगी, इन दो टर्म में माइनस सिक्स, देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूं मैं, माइनस सिक्स कॉमन, डी एक्स बाई डी एक्स क्या होगा, वन, और ऐसे ही डी बाई डी एक्स जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एट कॉमन वाई स्क्वायर कॉमन, क्योंकि एक्स के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन तो वाई तो कॉन्स्टेंट है, क्या बचेगा, डी एक्स बाय डी एक्स, तो ये भी वन, ये भी वन, तो क्या बचा, माइनस सिक्स प्लस एट वाई स्क्वायर। तो यहां पर यह करेक्शन है, यहां पर माइनस नहीं है, यहां पर प्लस एट वाई स्क्वायर है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है डिफरेंशिएशन का, क्लियर है ऑनलाइन वालों को, क्लियर है ये स्टेप? यस सर, यस सर। ठीक, अब क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे निकालना है, ओरिजिन पे, जहां पर एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो और जेड भी जीरो। तो जहां जहां आपको एक्स वाई जेड दिख रहा है, तो वाई को उठा के जीरो, तो क्या बचेगा, ई इज इक्वल टू माइनस सिक्स I cap। तो एक आंसर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड x के अलोंग आ गया, क्लियर है, ओरिजिन पे बोला उसने, E ओरिजिन पे, ओरिजिन का मतलब x y z कोऑर्डिनेट 0, 0, 0, क्लियर है यहां तक। अब सेम रिजल्ट किसके लिए लगाया, सेम रिजल्ट लगाया y के लिए लगाया, ठीक है। तो सेम रिजल्ट ये रहा, v की वैल्यू को पुट कर दिया, अब जिस टर्म में y आ ही नहीं रहा, ये रहा, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, जीरो। तो हटा दिया इसे, अब क्या बचा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म। अब ये जो टर्म है, इसमें से माइनस एट एक्स तो कॉमन है, क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या है, वाई है, तो माइनस का तो चलो माइनस बाहर ही रख लिया इस बार। तो जब इसे डिफरेंशिएट किया, तो यहां से माइनस एट एक्स तो कॉमन है, तो माइनस एट एक्स कॉमन है, तो क्या बचा, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो माइनस एट एक्स, y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या है, 2 इंटू वाई, तो क्या आएगा, माइनस 16xy। तो यहां पर क्या आएगा, माइनस 16xy, क्लियर है यहां तक, ये स्टेप सबको समझ में आ रहा है। फिर उसी तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ, ये तो 0 है, ये माइनस 16xy है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 8 कॉमन, dy बाई डी वाई क्या है, 1, 1 कर दिया। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 6z कॉमन कॉन्स्टेंट है, dy बाई डी वाई 1, इसको तो करना ही नहीं आंसर। तो फिर फाइनली क्या किया, इसके अंदर x y z को क्या किया, 0, क्योंकि ओरिजिन पे काम हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस के लॉन्ग क्या आया, माइनस माइनस प्लस आंसर। तो x एक्सिस के लॉन्ग निकाला, y के लॉन्ग निकाला, सिमिलरली z के लॉन्ग भी निकाला। तो x y z क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक। तो x y z ये रहा, ये देखो, तो ये रहा आपका z, z के लॉन्ग भी सेम काम किया, आंसर 0 आ गया उस केस में, वो अलग बात है। तो नेट E क्या होगा, EX I cap, EY J cap, EZ K cap। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज को पुट किया, तो E वेक्टर फॉर्म में आया,
स्केलर फॉर्म में या उसकी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या किया, इनके कोफिशेंट्स का स्क्वायर, तो नेट ई की वैल्यू क्या आई, 10 आ गई। हमने फोर्स निकालनी है 2 कूलम के ऊपर, फोर्स क्या होता है क्यू ई, तो चार्ज कितना है 2 और ई कितना है 10, आंसर इज 20। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, ई जेड जीरो कैसे आया, ये वी लिखा आपने जेड के साथ डिफरेंशिएट करना है, इसको करना नहीं, इसको करना नहीं, इसको करना नहीं, जेड नहीं आ रहा, इसको किया तो 6y कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ जेड इज 1, इसको किया तो -4 इंटू जेड स्क्वायर की 2z, तो -8z, सब कुछ ओरिजिन पे हो रहा है, तो y और z को 0 0, तो आंसर क्या आएगा 0। ठीक है यहां तक, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैसे इसको यूज करके आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आपने देखना है, सेकेंड, ओके थर्ड, ये रहा। देखो पहले मुझे एक बात बताओ, एक रिजल्ट याद करते हैं पहले, क्या अगर ये v और ये x है, y एक्सिस पे v है, x एक्सिस पे x है, और अगर हम कोई भी इसमें ग्राफ प्लॉट करें और उसकी क्या निकालने, स्लोप निकालने, स्लोप, तो स्लोप को क्या लिख सकते हैं, dv by dx, है ना, dv by dx स्लोप होगी। अब dv by dx तो देखा लगता है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं मैग्नीट्यूड लूं और माइनस को छोड़ दूं तो इसकी स्लोप आपको क्या देगी, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है यहां तक? तो अब इस केस में आपको यह बताना है कि 5 रीजन्स हैं, ये पहला ग्राफ है, दूसरा रीजन है, तीसरा रीजन है, चौथा रीजन है और पांचवा रीजन है। ठीक है, तो ये रीजन है, तो रीजन नंबर 1 2 3 4 और 5, ये भी है। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इसमें, देखो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई E1 का बड़ा होगा, E2 का छोटा होगा, E3, E4, E5 किसका बड़ा होगा किसका छोटा होगा, आपको ये प्लॉट करना है। मेरे को एक बात क्लियर है, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में V की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, मानते हो, स्लोप कांस्टेंट है, फ्लैट है, स्लोप है ही नहीं, स्लोप है ही नहीं, तो E क्या होगा, 0। अच्छा नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, V क्या है, कांस्टेंट है, E क्या होता है, माइनस डी वी बाय डी एक्स, और मुझे पता है कि अगर V कांस्टेंट है तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन इज, तो E की वैल्यू क्या आएगी, तो इसका मतलब जहां ग्राफ फ्लैट है ये वाला, तो यहां पे 1 रीजन में, फिर 3 रीजन में और फिर 5 रीजन में E की वैल्यू क्या रहेगी, 0, यानी कि E1, E3 और E5 क्या रहेंगे, सेम। पहला पॉइंट क्लियर है, वैसे तो आंसर आ ही गया यहां से, चलो फिर भी आगे। अब डिसाइड करना है 2 और 4 का, जिसकी स्लोप ज्यादा है, स्लोप चढ़ाई ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है, जिसकी स्लोप, ये स्लोप होती है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है, स्लोप ज्यादा है तो उसका ई भी ज्यादा है, तो किसकी स्लोप ज्यादा लग रही है, 4 की, ये ज्यादा स्टीप है और 2 थोड़ा कम है, तो यानी कि E4 इज ग्रेटर देन E2, मैग्नीट्यूड लेना है, माइनस साइन लेना नहीं इसमें,
तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? वैसे तो आंसर आ ही गया E1 और ये इस फर्स्ट पार्ट से आंसर आ ही गया, बट अगर सेकंड को भी कंपेयर करना है तो ऐसे कंपेयर किया जा सकता है। कोई डाउट इसमें? नहीं, इतना तो समझदार होगा पूछने वाला, वो आपको कुछ तो डिफ्रेंशिएट करके देगा। इतना मतलब पूरे कंट्री लेवल पे इतने लाख बच्चों के साथ वो कर नहीं पाएगा। टेस्टिंग होती है ऐसे तो, पेपर को 3-4 जगह टेस्ट करवाया जाता है, लोग सॉल्व करते हैं उसे घंटों के साथ, घड़ी रख के भी सॉल्व किए जाते हैं और हर क्वेश्चन को किया जाता है। मतलब पेपर ऐसा नहीं कहूँगा, नीट में हो ना आप, तो नीट में तो ऑफलाइन पेपर है तो उसकी टेस्टिंग होके आती है, और जो ऑनलाइन वाला है वो तो कंप्यूटर के अंदर टेस्ट होके जाता है। तो ऐसा नहीं होता, वो हर टीम बैठी हुई है, वो अपने आप, उनको पता है कि क्या करना है। फिर भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है तो उसकी गारंटी कोई नहीं, चल जाता है। वैल्यू मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक, क्लियर है यहाँ तक? ओके, इस क्वेश्चन को देखना और कितनों को समझ में आया ये भी बताना।
एक प्रॉपर्टी नहीं बताई कंडक्टर की, क्या? अगर कोई भी कंडक्टर है, पहली प्रॉपर्टी, किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता, कहाँ होता है? बाहर होता है। किसी भी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर, कंडक्टर नॉन कंडक्टर नहीं, कंडक्टर हमेशा इक्विपोटेंशियल होता है। कंडक्टर हमेशा इक्विपोटेंशियल होगा, चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा हो, चाहे वो स्फेयर हो, चाहे ना हो, ऑलवेज इक्विपोटेंशियल। तो मजा आ गया, वी की वैल्यू हर पॉइंट पर विल रिमेन सेम। कोई डाउट? तो इधर देखो, तो इस केस में ये कंडक्टर है, वो कह रहा है पी पॉइंट पर पोटेंशियल वी है, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, पी पॉइंट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो कह रहे क्यू पॉइंट पर बताओ वैल्यू वी की क्या होगी, वी की वैल्यू विल बी सेम। तो वी की वैल्यू विल बी सेम, पी का मुकाबला करना है क्यू से। नेक्स्ट सिग्मा, सिग्मा क्या होता है? चार्ज बाय एरिया। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर में एक पॉइंट डिस्कस हुआ था कि अगर रेडियस कम है तो एरिया भी कम है, तो सिग्मा यहां का ज्यादा है, तो यहां ज्यादा चार्ज होगा, बताया था ना। और यहां पर रेडियस ज्यादा है, रेडियस ज्यादा है तो एरिया ज्यादा है, तो सिग्मा कम है, तो सिग्मा कम होगा पी से। कोई डाउट? नेक्स्ट, जो एक प्रॉपर्टी की थी, कोई भी कंडक्टर का ई क्या होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और बोला था सिग्मा इज लोकल, तो सिग्मा यहां पर क्या है? ज्यादा, तो ई की वैल्यू यहां पर क्या है? ज्यादा, तो ई की वैल्यू यहां पर क्या है? कम, क्योंकि सिग्मा यहां पर कम, तो लेस देन ई। कोई डाउट इसमें? तो वी सेम रहेगा, सिग्मा चेंज होगा, ई चेंज होगा। कोई डाउट इसमें? ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन, देखो किए हुए हमने क्लास में, ये भी मैंने करवा दिया हैंड रिटन में। ये सिक्स्थ क्वेश्चन करने से पहले एक जरा पॉइंट नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर देखो, सपोज करो आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ये गिवन है, मान लो दीज आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट? तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रहा, एंड मैं क्या करता हूं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या ड्रॉ करता हूं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। तो ये लो, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मैंने एक प्रॉपर्टी करवाई थी, अगर ये सरफेस होती और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर होती तो इस सरफेस को क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल। पर ये सरफेस नहीं है, ये तो लाइन है रेड कलर की, इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, नहीं इक्वी पोटेंशियल लाइन। तो दीज आर इक्वी पोटेंशियल लाइन्स, इक्वी पोटेंशियल लाइन्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे ड्रॉ करनी है? परपेंडिकुलर। तो आज की बात, अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरफ गिवन है एंड यू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस, उनको क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल लाइंस। तो पहला स्टेप क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर, ठीक है। दूसरा, यस सर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ये इक्विपोटेंशियल लाइन है, मान लो यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू है v1, तो ये भी v1, ये भी v1, यहां पर अगर v2 तो ये भी v2, ये भी v2, यहां पर v3 तो ये भी v3, ये भी v3 और ये भी v3। कोई डाउट इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है? इस तरफ। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो पोटेंशियल यहां पर क्या होगा? डिक्रीज, क्योंकि एज यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। तो बोलो v1 v2 v3 में से सबसे बड़ा कौन? v1, फिर छोटा कौन? v2, सबसे छोटा कौन? जो सबसे लेट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ उसका पोटेंशियल सबसे कम होगा। कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? तो अब इस क्वेश्चन को एक बार अगर ध्यान से देखें, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये लाइंस देख रहे हो, लाइंस हैं, पहला पॉइंट इन लाइंस पे, जो पहला पॉइंट है वो कहां पे है? पहला पॉइंट ये रहा बी, फिर कहां पर है ए, फिर कहां पर है डी, फिर कहां पर है सी, देख रहे हो। मैंने क्या किया, आपको तो क्वेश्चन में ये लाइंस ड्रॉ करके गिवन है, तो मैंने सी में से एक लाइन पास कर ली, मैंने डी में से एक लाइन पास कर ली, मैंने बी में से लाइन पास कर ली, और मैंने ए में से भी लाइन पास कर ली, राइट? तो ये सारी लाइंस क्या कहलाएंगी? इक्वी पोटेंशियल लाइंस, राइट? अब देखो,
इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो वी इस तरफ जाते हुए क्या होगा, कम। तो सबसे पहला या ये वाला पॉइंट सी कॉर्नर पे है, यहां पर वी की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम, फिर डी की थोड़ी सी ज्यादा, फिर बी की और ज्यादा, ए की सबसे ज्यादा। तो ठीक है, ए सबसे ज्यादा, फिर बी, फिर डी, फिर, तो कैसे चेक करना है, समझ में आ रहा है यहां तक? बढ़िया क्वेश्चन है, कोई डाउट इसमें? तो लाइंस ड्रॉ कर करके हम चेक कर लेंगे कि किसका पोटेंशियल ज्यादा और किसका पोटेंशियल कम है। ठीक है, ये हमने किया हुआ है, शीट में कर लिया, शीट में कर लिया और शीट खत्म हो गई। कौन सी शीट है ये? 11, आपका होमवर्क। 11 नंबर शीट, 12 नंबर शीट दिखाना, ऑब्जेक्टिव बुक दिखाना, किसी के पास ऑब्जेक्ट दिखाना। 11 आपका जो होमवर्क है वो शीट नंबर 12 है, शीट नंबर 13 है, 12 और 13 आपने ट्राई करनी है। और सबसे बड़ी बात, फ्लक्स का टेस्ट बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे, बहुत हैरानी की बात है, कुछ स्टूडेंट्स को टेस्ट बताया जाता है, कोई ऐसा टीचर देखा है जो व्हाट्सएप पे टेस्ट बताता है, मैं ये दूंगा, और फिर भी वो स्टूडेंट 50% से कम मार्क्स लेता है। फिर से पूछते हैं कि तेरे को क्या चाहिए सीट, चलो पैक मिल जाए तो काम चला लेंगे, ऐसे कैसे कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये कोई रिजल्ट नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है, बहुत सिली मिस्टेक्स कर रखी हैं। टेस्ट फिर से रिपीट होगा अगली क्लास में, क्या क्या टॉपिक्स आएंगे आपको आज डाल के मैं दे दूंगा, वो टॉपिक्स सबने करके आने हैं और किसी का बेकार टेस्ट नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो बस 3 टेस्ट का रिजल्ट कंपाइल हो गया तो वो स्टूडेंट एक पैटर्न शो कर रहा है कि मैं पहले में भी नहीं पढ़ रहा, मैं दूसरे में भी नहीं पढ़ रहा और मैं तीसरे में भी नहीं पढ़ रहा। तो प्रोबेबिलिटीज पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ी है, तो प्रोबेबिलिटी है कि वो चौथे में भी नहीं पढ़ेगा अगर उसको ना टोका गया और रोका गया, तो फिर कार्रवाई तो की जाएगी। तो आप देख लो कि आपका लास्ट चांस है सब्जेक्टिव का, तो अगर आप इसमें परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ऑब्जेक्टिव को तो मैं देख ही नहीं रहा, ऑब्जेक्टिव तो बाद की बात है, पहले इसकी परफॉर्मेंस सही होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव अलग कैटेगरी है, देखो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो अपने बच्चे की मेहनत है, पर सब्जेक्टिव में तो हर हालत में हर स्टूडेंट को परफॉर्म करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं टेस्ट का वो डालता हूँ, आप प्लीज प्रिपेयर करना, ये लो, ऑनलाइन वाले जा सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।